दीनानगर इलाके विच शराब दे कारोबारियां दे करिंदियां दे एक बार फिर तो गुंडागर्दी करदे घर अंदर दाखल हो के महिला नाल बदसलूकी करन अते उस दे कपड़े फाड़न दे इल्जाम लगे हन, जिस तो बाद पुलिस ने शराब दे ठेकेदारां दे तीन करिंदियां दे बाई नेम अते 9 तो 10 अनपछाते व्यक्तियों खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले संबंधी गलबात करदे दीनानगर थाने दे SHO मेजर सिंह ने दस्या कि ठेकेदारां दे करिंदे आबकारी विभाग दे पुलिस मुलाजमां नाल नजायज़ शराब दी सूचना मिलन ते घर विच रेड करन गए सन, जिथे कि घर विच मौजूद महिला ने ठेकेदारां दे करिंदियां ते बदसलूकी करन अते कपड़े फाड़न दे इल्जाम लगाए सन। उक्त महिला मुताबक उक्त बंदे धक्के नाल ही उन्हां दे घर विच दाखल होए सन ते फरोला फराली करन लग पए ते जदों उक्त महिला ने उन्हां नूं अजिहा करन तों रोकिया तां उन्हां ने उस नाल गाली गलोच कीता ते उस दे हत्थी पै गए अते उस दी कमीज फाड़ दित्ती। उन्हां कहा कि इस मामले विच पुलिस ने स्वतंत्र राय भंडारी पुत्र इंद्रजीत राय वासी पठानकोट दलजीत सिंह अते सुरजीत सिंह बाजवा तो इलावा 9 तो 10 अनपछाते व्यक्तियों खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है अते इन्हां विचों स्वतंत्र भंडारी नूं गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्हां कहा कि इस विच पुलिस मुलाजमां दा कोई रोल सामने नहीं आया ते उह पिछे ही रह गए सन, तलाशी लैण तों पहलां ही इह सारी घटना वापर गई। समेत इन्हों की एक्साइज डिपार्टमेंट साढ़े पुलिस मुलाजम अटैच हुए है, उन्होंने कहीं सूचना मिली थी भी लेडी जरा राकेश कुमार उर्फ डिंपल पहला भी एक महीना पहले को 3 पेटियां बिस्की जी बराबद हुई थी, वो दोबारा शराब बेच धंधा करता बेचन का तो हूँ भी शराब बेच रहा। वो जी एक्साइज डिपार्टमेंट जो अपने प्राइवेट से अगे अगे चले गए तो छोटी गली है 5 फुट की गली वो पहला घर अदा दाखिल हो गए तो पुलिस वाले जो मुलाजम से वह पिछे से उत्थे ना अंदर कि मैं हथों पाई हो गए जी उ लेडीज जै राकेश कुमार की जी वाइफ है सीमा उन्हें तू मैं हो गई वह कोई हथों पाई हो गए वह कपड़े पाड़ते तो साढ़े को कंप्लेट आई है। चलो बाकी मौके पुलिस पहुंची ही तो सारी गलबात सुन के तो हूँ लेडी सीमा देवी जी स्टेटमेंट हासिल करके एक स्वतंत्र कुमार उर्फ भंडारी दलजीत सिंह टपई एक सुरजीत सिंह बाजवा बाकी 8, 9, 10 अनोन बंदियां दे खिलाफ जिहड़ी बनदी धारा 452, 354, 148, 149 IPC तहत FIR लॉज की गई है। जिहड़ा स्वतंत्र भंडारी दोषी जिहड़ा वो गिरफ्तार कर लिया, बाकी नूं गिरफ्तार करन लई जिहड़ी वो पता जी करके रेडिंग पार्टी बना के तो उन्होंने जल्दी 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 गिरफ्तार किया जाएगा। लाओ तो किसी के घर की सर्च करनी हो तो फिर तो वारंट जरूरी है, बाकी जो पता लगा भी बंदा वाकई ही शराब जो घर आके बेच रहा है फिर वो जब तक वारंट रहना उद तक तो पता थोड़ा क्लोज कर जाएगा। तो पर ये जो कुछ नहीं अच्छ मिले जो हंगामा ही हो गया कोई सर्च नहीं हुई कुछ नहीं होया पुलिस तो पिछे रह गई तो उत्थे पहला ही इन्हों की आस उदम हो गई। एक्चुअली इन्हों के घरों पहला भी शराब फड़ी गई है परचे परचे हुए घर के बाहर बल गए रख के शराब उदो 3 पेटियां बराबद हुई थी तो हो सकता उस रंजिश लाया कि ना हंगामा किया बिल्कुल साढ़े घर सर्च ना कर सके जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो बंदे गए थे उन्होंने सर्च कर सकन, पर जो भी मौके पर होया मुताबिक जी कार्रवाई अमल लियादी है। मैं तो कहूँगा पुलिस मुलाजम तो उत्थे मौजूद ही नहीं जो झगड़ा होया जो बाहर खड़े है बाहर जो छोटी गली है उत्थे जाते जाते पहला ही ये गलबात हो गई अंदर उन्हें घर गेट अंदर मुलाजम बाहर गया खड़े रह गए उस जो हंगामा हो गया फिर पुलिस ने जरा उन्होंने सुझाने की कोशिश की लेकिन जो गलबात हो गई सारी रही गल लेडीज की मैं तो कहूँगा भी जरा कोई क्राइम करता माड़ा जिदा शराब धंधा करते जिंदा पुलिस भी उन्होंने वाली जाती है होर भी इन्ने घर वसते हैं किसी वाल पुलिस नहीं जाती इन्हें तो क्योंकि पहला भी 3 पिंटियां शराब फड़ी गई सी हिमाचल की इन्होंने को FIR लॉज से पर सज्जे खब्बे चोरी छिपे फिर शराब धंधा करते बेचन का ये शक के आधार से गए थे पर पुलिस मुलाजम अगे नहीं हूँ जा गए पहला इन्हों का हंगामा हो गया आपस पर मैं तो कदों सारे अपना इन्होंने भी एक्साइज डिपार्टमेंट ज दूजे ठेके वाले जे इतने है जिन्हें भी वारंटी सारा हदायत करूंगा भी बिना वारंट तो या बिना पुलिस कर्मचारियों तो बिल्कुल किसी के घर ना जाया जाए।